इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो थीम्स के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो थीम्स के बारे में, जिसको अप्लाई करके बताऊंगा क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, एक थीम आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 11 की देखने के लिए मिलेगी। अब जिसके डिवाइस में एंड्रॉयड 11 अपडेट नहीं आया, जिसको स्टॉक UI पसंद है, तो उनके लिए थीम काफी ज्यादा अच्छी रह सकती है। तो कौन सी थीम है फटाफट से आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस, यहाँ पर पहली थीम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये नाम देख सकते हो, क्लासिक V11 वर्जन 11 और यहाँ पर V3.1 कुछ इस टाइप का नाम देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सिंपली अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये चेंजेस है। इसके आइकन आपको थोड़े से अलग देखने के लिए मिलेंगे और वॉलपेपर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, और आइकन और वॉलपेपर काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ ऐप ड्रॉअर देखोगे तो यहाँ पर आपको आइकन्स में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और थोड़े से इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है देखने में। अगर मैं इसके बात करूँ सेटिंग में आपको कैसे चेंजेस मिलते हैं, सेटिंग में नॉर्मली जो मिलते हैं बिल्कुल वैसे कि वैसे ही, कोई यहाँ पर खास चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस टाइप का कंट्रोल सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है देखने में। तो यहाँ पर ये है लेटेस्ट थीम है, यहाँ पर इसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्लासिक वर्जन 11 है और यहाँ पर वर्जन 3.1 कुछ इस टाइप का नाम देखने के लिए मिल जाता है। 9 MB की साइज़ है, आप लोग इसको जरूर थीम में सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा तो लॉक स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, खाली आपको वॉलपेपर चेंज होकर देखने के मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है देखने में। और नॉर्मली अगर थीम की बात करूँ तो इसके आइकन्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर आइकन्स थोड़े से अलग देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसको जरूर ट्राई कर लेना। लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड थीम के बारे में। तो सेकंड थीम जैसे कि मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड 11 अपडेट के ऊपर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंड्रॉयड R11 यानी कि एंड्रॉयड 11 के फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल थोड़ा सा एंड्रॉयड 11 जैसा लुक देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पर किसी किसी यूज़र को पसंद होता है कि यहाँ पर मतलब स्टॉक UI का फीलिंग देखने के लिए मिल जाए, स्टॉक UI टाइप देखने के लिए मिल जाए, तो उनके लिए भी थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर आइकन्स वगैरह आप लोग देखोगे तो राउंड सर्कल में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और एक टाइप से अगर आप लोग ऐप ड्रॉअर में भी देखोगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही एंड्रॉयड 11 जैसे आइकन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि एक स्टॉक UI की फीलिंग देगा, बिल्कुल स्टॉक लगेगा देखने में, वॉलपेपर भी बिल्कुल स्टॉक लगता है देखने में। लेकिन इसमें चेंजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले आइकन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कमाल के लगते हैं देखने में, पूरा UI आपको एकदम स्टॉक UI जैसा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर सेटिंग में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखने में। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या चेंज देखने मिलता है, आप लोग यहाँ पर टॉप साइड में देख सकते हो, ये है ऊपर नोटिफिकेशन, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अलग देखने के मिलेगा, थोड़ा सा यूनिक देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो चार्जिंग बैटरी इंडिकेटर है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है देखने में, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आप लोग वाईफाई देखोगे, यहाँ पर नेटवर्क देखोगे, तो इसके जो लोगोज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में, और स्टॉक UI जैसी फीलिंग भी लगती है देखने में। तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड R11 है। इसके कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े आइकन्स अलग देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये है ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा चेंजेस देखने के मिला है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर ये है न्यू थीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बस यहाँ पर आपको ये जो विजेट्स है इसमें आपको ये सूरज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, सन वगैरह, और यहाँ पर आप लोग डेट मंथ वगैरह देख सकते हो, तो यहाँ पर ये चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आइकॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। वैसे यहाँ पर ये थीम अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो सिंपली एंड्रॉयड R11 सर्च कर लेना है, थीम में जाके आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगी, डायरेक्ट मिल जाएगी, और आप लोग इसको डाउनलोड करके अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है थीम। तो जिसको स्टॉक UI जैसा पसंद है, स्टॉक एंड्रॉयड वाली थीम चाहिए, तो गाइज यहाँ पर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। आप लोग कैसी लगी ये थीम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर इस वीडियो में यही दो थीम्स के बारे में मुझे बताना, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा, फटाफट से उसको प्रेस कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। वैसे यहां पर काफी ज्यादा अच्छी लगती है थीम, तो जरूर एक बार ट्राई करके देख लेना। इस वीडियो में इतना, मिलते अगले वीडियो में, बाय।